इंडिया ने एक बार फिर से अपनी ब्याज दरों में बदलाव किया है। जी हाँ दोस्तों, हम अभी हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर। वेबसाइट पर सबसे पहले आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो लिंक दिया हुआ, इंटरेस्ट रेट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट, ये लागू है 15/4/2020 से, यानी 15 अप्रैल से नई ब्याज दर लागू हुई है। ये देखिए आप स्क्रीन पे जैसे देख पा रहे हैं, सेविंग अकाउंट में भले ही 1 लाख से कम बैलेंस हो या ज्यादा हो, पहले क्या था कि ब्याज दरों में स्लैब बनाए गए थे अलग अलग और 3% सालाना मिल रहा था। सेविंग अकाउंट में एक साल में 3% की दर से ब्याज मिल रहा था। अभी 15/4/2020 से जो नई ब्याज दर लागू होगी वो होगी 2.75 की। ये सालाना ब्याज है सेविंग अकाउंट में एक साल का, 2.75 ये दर है। तो जैसे आप देख रहे हैं 0.25 रेट कट किया गया है और इसका रीजन है आरबीआई की रेपो रेट का घटना। जैसे ही आरबीआई ने रेपो रेट में कट किया था तो इसका अंदेशा पहले से ही था कि सेविंग अकाउंट में, एफडी में और उधर लोन अकाउंट में भी इंटरेस्ट रेट कम होने वाली है। बस इंतजार हो रहा था कि कब वो नया सर्कुलर आता है, इसका ऑफिशियल कब होता है। तो नया सर्कुलर इसका एसबीआई आ चुका है और 15/4/2020 से नई ब्याज दर यानी 0.3% सालाना आपको ब्याज मिलेगा आपके सेविंग अकाउंट में। जी हाँ दोस्तों, ऐसी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की और न्यूज के लिए और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखते रहें डिजिटल बैंकिंग इंडिया चैनल पर। थैंक यू।